जय हिंद। चलिए इस वीडियो में जानेंगे ब्रांच और स्टडियो। जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग अगर, तो पता ही नहीं चलता है इससे कौन सा मतलब क्या चीज लिखा रहता है, तो उसका मतलब क्या होता है ये पता ही नहीं चलता है। अगर हम लोग डॉक्टर में के कहीं डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो उस किसी आदमी से पूछना पड़ता है, सर भैया ये रूम है ना, ये डॉक्टर साहब से मिलना है जो हार्ट के, मान लीजिए जो लीवर के स्पेशलिस्ट है, तो बताता है वो आदमी से, भैया यह रूम है, डॉक्टर साहब इस रूम में देखते हैं, तो इस तरह पता कर सकते हैं। या हम लोग को नहीं पहचान पाते हैं किसका क्या नाम रहता है, तो कोई चीज स्पेशलिस्ट रहता है उसके बारे में बोर्ड पर लिखा रहता है। जब आप डॉक्टर के रूम में एंटर करिएगा जो जिसमें उसका क्लिनिक रहता है, जिसके जहाँ हॉस्पिटल है, उसके हर रूम वाइज में लिखा रहता है। जैसे कि कोई भी डॉक्टर है जिसके बारे में स्पेशलिस्ट रहता है ना, उसी के बारे में लिखा रहता है, उसका एक नेम रहता है जिसके बारे में पढ़ा रहता है। अच्छा, कोई भी चीज में अगर मान लीजिए कोई भी चीज स्पेशलिस्ट लग जाता है, तो जैसे कि मान लीजिए यहीं पे है कार्डियोलॉजी, मतलब स्कल के बारे में पढ़ता है, स्टडी होता है। अगर कार्डियोलॉजी इसका ब्रांच हो गया, ब्रांच क्या हो गया, तो कार्डियोलॉजी हो गया, उसका स्टडी अब किसके बारे में स्टडी करेगा, तो स्कल के बारे में। जब कार्डियोलॉजी आएगा, जब कार्डियोलॉजी आएगा तो समझ जाएगा किसके बारे में बात कर रहा है, तो स्कल के बारे में कर रहा है, यानी खोपड़ी के बारे में बात कर रहा है। जब कार्डियोलॉजी जिसके बारे में पढ़ते हैं उसमें एलोजी लोजी लगा रहता है, और जिसके बारे में पढ़ के स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट लग जाता है। LIST जहाँ पे LIST लग जाता है ना, लॉजिस्ट लग जाता है, यहाँ पर ये लग जाता है ना LIST लॉजिस्ट लग जाता है, तब समझ लीजिए उस चीज के, उस बारे में, उसके लिए या खास तरह के स्पेशल चीज है, वह स्पेशलिस्ट है उसी क्षेत्र में है, किसके बारे में, जिसके एथी में लग जाता है। अगर स्टडी कर रहा है तो जैसे कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी मतलब स्कल के बारे में स्टडी कर रहा है। अगर यह हो गया मतलब पूरा इसका, मान लीजिए हॉस्पिटल खोला है उसमें लिखा है कार्डियोलॉजी, अगर वह रूम के गेट के ऊपर लिखा है कार्डियोलॉजी, तो समझ जाएंगे किसके बारे में, या किस चीज का डॉक्टर है, तो ये स्कल के डॉक्टर है। स्कल अगर वहां लिखता रहता है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट रहता है किस चीज के, स्कल के, स्कल के बारे में कोई भी जानकारी हो तो वह डॉक्टर वो बताता है, कोई भी डिजीज हो वह डॉक्टर बताता है। चलिए उसी तरह जानेंगे, क्योंकि यह कॉमन आदमी को बहुत सारा दिक्कत होता है, अगर ना जाने बहुत सारे पीपल पढ़ा लिखा भी आदमी को, जो ना पढ़ा लिखा है उसका तो बात छोड़ ही दीजिए, जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको भी मालूम ना रह पाता है, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए सोचे से यह वीडियो में यही आगे बता दिया जाए। जैसे कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी किसके बारे में स्टडी करेगा, तो ब्रांच मतलब किसका ब्रांच है, तो कार्डियोलॉजी वो किस ब्रांच है, स्टडी किसके बारे में करेगा, स्कल के बारे में करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्कल्स। जहां कार्डियोलॉजी, तो किसके बारे में स्टडी किया था, स्कल्स के बारे में। जैसे आर्थियोलॉजी, आर्थोलॉजी क्या होता है, आर्थोलॉजी क्या होता है, जहाँ पे देखते हैं ना जो हमारे बॉडी में बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं, हमारे बॉडी में जो बहुत सारे जैसे ज्वाइंट्स हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, हिंग ज्वाइंट्स, बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं, कितना ज्वाइंट्स का नाम रखेंगे, तो जो आर्थियोलॉजी के बारे में पढ़ा है, जो पढ़ रहा है उसका ब्रांच होता है आर्थियोलॉजी, जो किसके बारे में पढ़ रहा है तो समझ आएंगे, तो ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ रहा है, यहाँ पर LIST लग जाता है, आर्थियोलॉजिस्ट लग जाता है, तो आर्थियोलॉजी मतलब बोन के बारे में स्पेशल डॉक्टर है, उसका खास तौर पर उसके खास क्षेत्र में, उसी के क्षेत्र में एकदम खास तरह से वो इलाज करेगा, और क्या मतलब उसी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, कहीं भी कार्डियोलॉजिस्ट, मान लीजिए जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, हार्ट का हो गया, इसी तरह बहुत सारा डॉक्टर होता है जिसमें लिस्ट लगता है, एलोजी लगता है, उसका ब्रांच पढ़ाई करता है तो लॉजी लगता है, जब पढ़कर स्पेशलिस्ट हो जाता है तो LIST लगता है, समझे। अच्छा, तो यह किसके बारे में, अर्थोलॉजी मतलब किसके बारे में, ज्वाइंट के बारे में पढ़ता है। ऑस्ट्रोलॉजी, अब आते हैं ऑस्ट्रोलॉजी, ऑस्ट्रोलॉजी क्या होता है, तो ऑस्ट्रोलॉजी जिसके बारे में मतलब ऑस्ट्रोलॉजी जिसके बारे में, किसके बारे में अध्ययन कर रहा है, तो बोन के हड्डी के बारे में अध्ययन करता है, अध्ययन करता है किसके बारे में, जब ऑस्ट्रोलॉजी का लग गया, किसका ब्रांच है, तो ब्रांच में क्या आ गया, ऑस्ट्रोलॉजी आ गया, स्टडी किसका किया, तो बोन्स के बारे में किया, किसके बारे में स्टडी किया, तो बोन्स के बारे में स्टडी किया, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी। अच्छा, ओडोंटोलॉजी क्या होता है, समझते हैं यहाँ पे ओडोंटोलॉजी क्या होता है, इससे पहले तो हमें वीडियो में ही बता दिए थे, जब टीथ के वीडियो बना रहे थे, अगर नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर देख ले, ताकि बहुत सारे समझने में दिक्कत ना हो। अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो कुछ नहीं, फिर आपको देखना चाहिए, वीडियो अच्छा है, जानकारी लेनी अच्छी बात होती है, जानकारी लेनी चाहिए, जिस
पढ़ाई की नॉलेज है तो लेनी ही चाहिए। जैसे कि ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी क्या होता है, ओडोंटोलॉजी होता है ना उसका स्पेशलिस्ट, जैसे कि ब्रांच हो गया तो ओडोंटोलॉजी एक ब्रांच हो गया। स्टडी ऑफ क्या हो गया, तो स्टडी ऑफ किसके बारे में करेगा, तो टीथ के बारे में स्टडी करेगा। जैसे कि इससे पहले तो हमें वीडियो में बताया था टीथ कितने होते हैं, कौन सा टीथ का क्या नाम है, उसका क्या काम है, कौन सा टीथ कितना बार उगता है, कौन डायोंटोलॉजी होता है, कौन सा मोनोफोडोंटोलॉजी होता है, कौन डायोफोडोंटोलॉजी होता है, ये सभी बता दिए थे इसे पिछले बारे में वीडियो में। अब आता है हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी क्या होता है, हेप्टोलॉजी मतलब लीवर के बारे में, जो इसका बारे में कौन करता है, इसका ब्रांच हो गया हेप्टोलॉजी, ब्रांच हो गया एक हेप्टोलॉजी, और उसके बारे में स्टडी करता है किसके बारे में, तो लीवर के बारे में, जो लीवर के बारे में स्टडी करता है उसे बोलते हैं हेप्टोलॉजी। अब आता है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या होता है, एक बहुत ही खास तरह के, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास तरह के, बहुत आदमी, कम ही आदमी जानता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिस जो मेल है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, तो मेल के जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो एथी करता है, जो इलाज करता है, उसी को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। हाँ, ओडोंटोलॉजी ही बोलते हैं आज। कोडोंटोलॉजी किसे बोलते हैं, कोडोंटोलॉजी किसे बोलते हैं, जो कार्टिलेज जो कार्टिलेज के बारे में अध्ययन करता है, मान लीजिए कोडोंटोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं, उसका ब्रांच हो गया, जो स्पेशलिस्ट हो जाता है, तो कितना में बताया से लिस्ट लग जाता है, समझिए उसके क्या बारे में करेगा, तो कार्टिलेज के बारे में करता है। तो कार्टिलेज क्या होता है ये समझेंगे, कार्टिलेज क्या होता है, जैसे कि आप चिकन खाए होंगे, आप सभी बच्चे लोग चिकन तो खाते हैं, आप सभी लोग खाए ही होंगे चिकन, खाते हैं तो लेग पीस खाते हैं, तो लेग पीस खाते हैं, वहाँ के जो हड्डी रहता है, जो हड्डी की तरह एकदम नॉर्मल रहता है, नरम रहता है, गुदगुद की तरह हड्डी रहता है, जो एकदम उजला टाइप की हड्डियाँ रहेगा, समझ गए ना, वो एकदम नरम है, उसको खाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्टिलेज बोलते हैं, समझ गए, कार्टिलेज किसको बोलते हैं। अच्छा, इसके बारे में दो तीन सात यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बता दिए, 3 और बताएंगे, 10 तक एक वीडियो में जान लेते हैं, फिर अगला वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। अगर उतारना है तो उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आगे वाले लिखते हैं, समझ गए।